नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चीन में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण अपने पैर पसारने लगा है। दिसंबर में वुहान से निकला कोरोना वायरस किसी भी तरह से नियंत्रित होता नहीं दिख रहा है। सोमवार को चीन में अप्रैल के बाद एक बार फिर से रिकॉर्ड 61 केस दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा केस शिनजियांग प्रांत में निकले हैं, जहां पर 57 लोगों में कोरोना का संक्रमण मिला है। इस घटना के बाद देश में महामारी की ताजा लहर आने का डर बढ़ गया है। 61 नए केस मिलने के साथ ही चीन में सोमवार तक कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 331 हो गई। इनमें से 21 गंभीर हालत में हैं। वहीं चीन में 302 ऐसे केसेस पर नजर रखी जा रही है जो एसिम्प्टोमेटिक हैं। बता दें कि अप्रैल के बाद से ये पहला मौका है जब इतने बड़े स्तर पर कोरोना के केस सामने आए हैं। इससे पहले अप्रैल महीने में 89 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें से ज्यादातर विदेश यात्रा करके लौटे थे। चीन में सोमवार को जो नए केस सामने आए हैं वो 3 अलग अलग प्रांतों से आए हैं। नेशनल हेल्थ कमीशन की तरफ से बताया गया है कि शिनजियांग की क्षेत्रीय राजधानी उरुमकी में जुलाई महीने के मध्य में अचानक से कोरोना ब्लास्ट हुआ था। इसके अलावा 14 केस उत्तरी पूर्वी लियाओनिंग प्रांत के डालियान शहर में मिले थे। 2 और केस इसके पड़ोसी प्रांत जीलिन में मिले थे और ये प्रांत नॉर्थ कोरिया से बॉर्डर साझा करते हैं। सोमवार को जो केस सामने आए हैं उनमें से 4 ऐसे केस हैं जिनमें संक्रमण दूसरे देशों की यात्रा करके चीन आए लोगों में मिले हैं। चीनी अथॉरिटीज का कहना है कि डालियन में बड़े स्तर पर लोगों की टेस्टिंग हो रही है। शिनजियांग में उरुमकी में भी टेस्टिंग का दूसरा चरण लॉन्च कर दिया गया है, ताकि उन लोगों का पता लग सके जिन्हें गलत तरीके से नेगेटिव करार दे दिया गया था। उरुमकी की आबादी 35 लाख है, जबकि अब तक 23 लाख लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। इसके साथ ही डालियान और उरुमकी में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। अथॉरिटीज ने यहाँ पर वायरस से लड़ाई के इस समय को युद्ध करार दिया है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि शिनजियांग में सामने आए क्लस्टर की वजह क्या है, जिसकी वजह से कुल 178 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।